जब दो नन्ही आंखें धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं, तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अपनी गोद में मंद मंद मुस्कुरा रही नन्ही सी मालिनी को देखकर मिथु फूली नहीं समा रही थी, लेकिन मिथु की ये खुशियाँ जल्द ही गम में बदल गईं। They all said, "What is this? We don't know. She'll be a vegetable. She will never grow." माँ पर मानो आसमान टूट पड़ा। The mother could only just cry because all they said was all negative things to the mother, and the child was also crying. मालिनी सेरेब्रल पैलेसी की शिकार है। सेरेब्रल पैलेसी की वजह से दिमाग के उन हिस्सों के काम पर असर पड़ता है जो हमारी गतिविधियों और शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। मालिनी के जन्म के समय भारत में सेरेब्रल पैल्सी के बारे में जानकारी कम थी, और इसीलिए मालिनी को लेकर मिथु चली गई लंदन। And there we were given very good care, and there were social workers, psychologists, therapists, everyone, a big team of people who knew about cerebral palsy. लेकिन जल्द ही मिथु भारत लौट आए। मैं सोचा कि what is happening to other Malinis? That's how the Spastic Society began 42, 43 years ago. माँ बेटी